हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करना अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों मेरे पास है वीवो Y27। इस फोन का कैमरा फीचर्स और कैमरा सेटिंग का बात करेंगे, देखेंगे कैमरा में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटिंग्स है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं इस फोन में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटिंग्स है कैमरा में। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कैमरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा नाइट मोड, उसके साइड में मिल जाएगा आपको पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ पे क्लिक करता हूँ एप पर, यहाँ पे उसके एपर्चर कम ज़्यादा कर पाओगे, यानी बोके मोड को कम ज़्यादा कर पाओगे। इस तरह से 2.0, 1.4 इस तरह से आप इसको चेंज कर पाओगे, कम ज़्यादा कर पाओगे। और उसके नीचे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए पोर्ट्रेट मोड में आपको फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ, ऐसे फोटो में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस फोन का जूम का बात करूँ तो चलिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो इस फोन में जूम का बात करूँ तो जूम है 10x, उससे ज़्यादा जूम नहीं है, मैक्सिमम 10x है। अब चलिए जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोटो में, और उसे साइड में मिल जाएगा आपको लाइव रिव्यू का। तो बहुत सारा लाइव रिव्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ, ऊपर में देखिए ऊपर में यहाँ पे हमको गूगल लेंस का ऑप्शन, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। उस साइड में फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे HDR को एक क्लिक से ऑन ऑफ कर पाओगे। और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप चलिए वीडियो में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन का बात करूँ तो यहाँ पे टाइप करता हूँ 1080px 30fps, 720px 30fps फुल HD से आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और वीडियो में भी दोस्तों यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्यूटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्यूटी में आपको ब्यूटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलो यहाँ से मोर में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 50MP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप 50MP यहाँ से ऑन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे 50MP ऑन हो चुका है, यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है, यहाँ से 50MP ऑन कर पाओगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे मोर में, यहाँ पे पैनोरमा, डॉक्यूमेंट मोड, स्लो मोशन, टाइम स्लैप और प्रो मोड, और नीचे लाइव फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे आ रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोन का फोन क्रमा में। तो यहाँ फोन का ओपन हो चुका है, सेम इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नाइट फोटो, इसके बाद पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे फोटो वीडियो, यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन का बात करूँ तो सेम इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1080px 30fps, 720px 30fps आप वीडियो कर पाओगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से जाएंगे इस फोन का कैमरा सेटिंग्स में। तो चलिए कैमरा सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कैमरा मॉडल को छोटा बड़ा कर पाओगे। चलिए आपको दिखाता हूँ, 4:4, 4:3, उसके साथ में 1:1, यहाँ पे फुल कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए फुल हो चुका है। इस तरह से आप इसको चेंज कर पाओगे। फिर से जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड का टाइमर देखने को मिल रहा है। और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रिड लाइन का। तो इसलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ लाइन आ चुका है, इसको ग्रिड लाइन बोल रहा जाता है। तो चलिए इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ। और उसके साइड में है लेबल, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे देखिए प्लस जैसे ऑप्शन है लेबल है, और उसके नीचे और एक प्लस है, उसको ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा। तो चलिए ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जगह सीधा हो चुका है, आप दोस्तों घर का कोई चीज़ सीधा है नहीं, इससे देख पाओगे तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, इसको ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे उसके साइड में आपको मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन, आप वीडियो स्टेबलाइजेशन यहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑन कर लीजिए, आपको ऑन नहीं है तो। और उसके नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन है इफेक्ट मास्टर, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप इस तरह से इफेक्ट कम ज़्यादा कर पाओगे। ये भी दोस्तों अच्छा फीचर्स दिया गया है। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं, इसको ऑफ करते हैं। और उसके साइड में मिल जाएगा वाटर मार्क का ऑप्शन, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों ऑन नहीं है, तो चलिए इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे टैप करते टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे आप ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से वाटर मार्क ऐड कर पाओगे, किस तरह से ऐड कर पाओगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉडल नेम, टाइम डेट ऑन है, और लोकेशन भी ऑन कर पाओगे यहाँ पे। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन रहेगा, तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। और नीचे देखिए यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कस्टमाइज में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऐड कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, विथ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब सेव कर लेता हूँ। ये किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो चलिए कैमरा में चलते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो क्लिक हो चुका है, इस फोटो को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वीवो Y27 विथ एक्स्ट्रा और डेट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छे पीछे से इस तरह से ऑटर मार्क को ऐड कर पाओगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे इस फोन का सेटिंग्स में।
अब दोस्तों यहाँ पे मोर सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले पेज का बात को तो पहले पेज से शटर साउंड को दोस्तों एक क्लिक से ऑन ऑफ कर पाओगे, इस तरह से ऑन ऑफ कर पाओगे। और उसके नीचे लोकेशन को भी तो एक क्लिक से ऑन ऑफ कर पाओगे, इस तरह से लोकेशन को एक क्लिक से ऑन ऑफ कर पाओगे। और उसके नीचे मेरो सेल्फी यहाँ पे ऐसे ऑफ है, पहले ऑफ कर लेता हूँ। पहले एक किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ, ये सेल्फी कैमरा में काम करता है। तो चलिए सेल्फी कैमरा ऑन करता हूँ यहाँ पे। अब चलिए देखिए मेरा कैमरा इधर है, एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो फोटो कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे देखिए फोटो इधर आ चुका है, कैमरा इधर आ चुका है, फोटो पलट गया है। तो चलिए फिर से जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, मोर सेटिंग्स, यहाँ पे मिरर सेल्फी क्लिक करता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। अब चलिए इसको यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो क्लिक हो चुका है यहाँ पे। इस फोटो को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फोटो नहीं पलटा है, कैमरा इधर का इधर ही है। इस तरह से दोस्तों मिरर सेल्फी काम करता है, फोटो नहीं पलटेगा। इसको ऑन कर देगा तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है कीप सेटिंग्स, यहाँ पे टैप करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कैमरा मोड, फोटो मोड स्टेटस, पोर्ट्रेट मोड स्टेटस, प्रो मोड स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे सबको ऑन कर दीजिए, आपको पिक्चर में और भी इन्हांस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑन करके रख दीजिए। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। उसके नीचे नेक्स्ट फेज से वाटरमार्क आपको दिखा चाहूँ किस तरह से काम करता है। उसके नीचे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट फेज शटर, यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, टच, वॉइस और प्लम, एक किस तरह से काम करता है आपको दिखाऊंगा तीन फीचर्स। तो चलिए पहले टच को ऑन कर लेता हूँ। अब चलिए कैमरा में चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ भी डबल क्लिक करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ, डबल क्लिक किया, फोटो क्लिक हो गया। देखिए फिर से करता हूँ यहाँ पे, देखिए फोटो क्लिक हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरा भी क्लिक होगा, आप जहाँ भी क्लिक करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा। तो चलिए टैप करता हूँ डबल क्लिक, देखिए फोटो क्लिक हो रहा है। इस तरह से दोस्तों इसको इस्तेमाल करोगे, ये भी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से जाएंगे फिर से सेटिंग्स पर, फिर से जाएंगे आप शटर पर। अब दोस्तों नेक्स्ट फेज से वॉइस, यहाँ पे दोस्तों वॉइस कमांड देगा, फोटो क्लिक कर पाओगे, ये भी दोस्तों अच्छा फीचर से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एग्री। अब चलिए दोस्तों किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। चीज़, देखिए फोटो क्लिक करे, चीज़, देखिए इस तरह से फोटो क्लिक करे, आप वॉइस कमांड देगा फोटो क्लिक कर पाओगे। तो अच्छा फीचर से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फिर सेटिंग्स में जाएंगे, फिर से जाएंगे शटर पर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्लम, तो चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। ये दोस्तों फीचर्स फ़ॉन्ट कैमरा में काम करता है, चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो फ़ॉन्ट कैमरा यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कैमरा ऑन हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अब चलिए इस तरह से आपको हाथ देखना पड़ेगा अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, फोटो क्लिक हो चुका है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे हाथ देखना पड़ेगा, तब जगह फोटो क्लिक होगा। यहाँ पे सामने कुछ आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों फोटो क्लिक हो रहा है, आप हाथ देखा कि इस तरह से यहाँ पे फोटो क्लिक कर पाओगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज से आई ऑटो फोकस, ये भी दोस्तों अच्छा फीचर से यहाँ पे दिया गया है। तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑटो, लेफ्ट आई, राइट आई, ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑटो में रख देना, तो आपको अच्छा फोकस आएगा, ऑटो फोकस अच्छा आएगा। और उसके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है आई ऑटो फोकस एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन आप चेंज कर पाओगे ऑटो फोकस का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एनिमेशन देखने को मिल रहा है, आपको जो अच्छा लगा एनिमेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रख देना। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। और उसके नीचे यहाँ पे प्राइवेसी स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कन्फर्म कर दो तो पूरा कैमरा रीसेट रीसेट हो जाएगा, नहीं जैसा हो जाएगा। तो चलो इसको कैंसिल करता हूँ। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों वीवो Y27 रिलेटेड को भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब ले जाएं, वंदे मातरम।